सतना न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ राष्ट्रीय के सतना जिला महामंत्री पमकेसी शुक्ला ने आज पत्रकार आशीष त्रिपाठी के ऊपर कोटा नायब तहसीलदार प्रदीप तिवारी की गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। बिरसिंहपुर तहसील के बाद कोटा तहसील में चला रहे गुंडाराज सच का साथ देने वाले पत्रकार आशीष त्रिपाठी पर खनन माफियाओं के साथ मिलकर व्यूह रचना कर तहसील के अंदर प्रदीप तिवारी ने बुलवाया और उसके खनन माफिया साथी जो पहले से मौजूद थे चितगढ़ सरपंच विक्रम सिंह जिसके ऊपर कई संगीन अपराध जैसे धारा 307 आदि के दर्जनों गंभीर अपराध दर्ज है उसने तहसील कार्यालय का बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर तहसील मुख्यालय के अंदर प्रदीप तिवारी का असली चेहरा सामने आया और पत्रकार आशीष त्रिपाठी की जमकर लात घुसो और लाठी से भयंकर बुरी तरह से मारपीट कर प्राणघातक चोटें पहुंचाए और झूठे मुकदमे में फंसाने का प्लान तैयार किया और पुलिस को बुलाकर कोटा थाने में FIR दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन उसकी चाल सफल नहीं हो पाई। पूरा सतना जिले की मीडिया जगत समाज सेवी संगठन और अखिल भारतीय मानवाधिकार संगठन भारत मध्य प्रदेश के अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के नेताओं ने कोटा थाना प्रभारी से बात कर न्याय करने की अपील की। जैसे ही कोटा थाना प्रभारी श्रीराम सनोटिया को पता चला ये झूठा मुकदमा दर्ज कराने की फिराक में है कोटा नायब तहसीलदार प्रदीप तिवारी तो आशीष त्रिपाठी को छोड़ दिया गया है। उनकी पीठ और कमर में गहरी प्राणघातक चोटें आई हैं। कोटा नायब तहसीलदार प्रदीप तिवारी अपने काम के लिए कम और गुंडई के लिए ज्यादा फेमस है। उनकी घूसखोरी जिले भर में मशहूर है फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत सतना जिले के अधिकारियों में नहीं है। उनको भी डर लगता कि कहीं आशीष त्रिपाठी की तरह उनका भी हाल न हो जाए। कोटा तहसील क्षेत्र के 84 गाँवों के लोग नायब तहसीलदार प्रदीप तिवारी की घूसखोरी और गुंडागर्दी से परेशान और त्रस्त है तथा कोटा तहसील क्षेत्र के आम जनमानस समुदाय गरीब तबके के असहाय अनाथ लोग भयभीत और पीड़ित हैं। अगर समय रहते उनके ऊपर शासन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो आने वाले चुनाव में रामपुर बघेलान में सत्ता पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कोटा तहसीलदार को तुरंत बालाघाट या भिंड मुरैना भेजा जाए। ये कोटा जैसे शांत एरिया में रहने लायक नहीं है। इनका इलाज वहीं होगा। सतना मध्य प्रदेश से पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें अपनों की खबर आप तक। मैं आ रहा था कोटर अपने मोबाइल में बैलेंस डलवाने के लिए सवेरे 8:30 से 9 बजे के बीच में सवा 9 बजे से मुझे एक फ़ोन आया बोला कि खनिज की टीम वहाँ पे कार्रवाई चल रही है कोटर तहसील थाने के बीच में। तो मैं जैसे ही उस फोन कॉल को सुन के मैं सीधे कोटर आ गया तो देखा तो कोटर तहसील के पास सुनील त्रिपाठी जंटर और विक्रम सिंह खनिज माफिया चितगढ़ और एक दो अन्य और थे उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। इसके बाद फिर वो लोग चले गए। जंटर से मैं पूछा क्या कोई खनिज की कार्रवाई हुई है तो बोले नहीं हुई है। फिर मैं वहीं चाय पीने लगा। फिर विक्रम सिंह चितगढ़ चले गए तहसीलदार के पास और जंटर भी चले गए। फिर बाद में जंटर आए बोले चलो तुम जो है तो साहब बुला रहे हैं तुम्हारा जो आवेदन है वो फाइल तुम्हारी कम्प्लीट हो गई अंदर बुला रहे हैं सर से बात कर लो बहुत ज़रूरी काम है। फिर मुझे ज़बरदस्ती ये तहसील के अंदर ले जाते हैं अपने चैम्बर में ले जाते हैं। चैम्बर के अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं विक्रम सिंह चितगढ़ और तहसीलदार। फिर विक्रम सिंह चितगढ़ बाहर निकल के खिड़की बंद कर लेता है और हमको तहसीलदार द्वारा कुमार पीट की जाती है लात घूंसों से कुर्सी में पटक पटक के और बोला गया कि यदि तुम खनिज के बारे में और माफियाओं के बारे में कोई खबर चलाओगे या छापोगे तो हम तुमको जिंदा मार देंगे और दोबारा कहीं दिखोगे नहीं ऐसे जगह पहुंचा देंगे। तुम जानते नहीं हो हम कितने बड़े गुंडे हैं हमारे घर के बारे में इतिहास पता कर लेना। मेरा भाई भी एक जेल में बंद है 302 करवा दिया हूँ तुझे भी 302 में करवा दूंगा। और झूठे मुकदमे में फंसाने की खूब धमकी दिया मेरा मोबाइल भी छड़ा लिया मेरी कमर टूट गई है जो कि एक्सरे करा जा मेरी मलसी नहीं हुई मेरी कहीं नहीं सुनी जा रही। मेरे को धमकी दी जा रही कि खनिज के संबंधित में आप छापोगे तो आपको हम जान से मार देंगे खनिज माफिया कोटर तहसीलदार प्रदीप तिवारी के द्वारा।